हेलो दोस्तों, हमारे चैनल टेक्निकल सपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो KYC फॉर्म है आप कैसे भर सकते हैं। बहुत लोग गलती कर डालते हैं और उनका जो है KYC नहीं हो पाता। दोस्तों इस वीडियो में सही सही हम जो है जानकारी आपको देंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। देख पा रहे हैं हमारा जो है यहाँ पर नाम है, यहाँ पर हम अपना पूरा नाम भर दिए हैं, फर्स्ट नाम, इसके बाद फिर यहाँ पर मिडिल नेम, यहाँ पर लास्ट नाम, ठीक है। यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डाल देना है, अपना यहाँ पे स्टेटस डालना है। देख पा रहे हैं लिखा है रेसिडेंटल स्टेटस। आप जैसे हम जैसे स्टूडेंट हैं तो हम स्टूडेंट पे क्लिक करके रखे हैं। इसमें से जो भी आप गवर्नमेंट जॉब वगैरह करते हैं अपने हिसाब से, अपना यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड, पब्लिक सेक्टर, जो भी गवर्नमेंट सेक्टर है आप अपना कर सकते हैं। और लेडीजों के लिए जो होती हैं हाउस वाइफ कर सकती हैं अपना। जैसे हम स्टूडेंट हैं तो हमारा जो है क्लिक स्टूडेंट पे है। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे अपना एनुअल इनकम लिख देना है। जैसे हमारा एनुअल इनकम जो है 30,000 है एक साल का, तो यहाँ पे इनकम लिख दिए हम अपना। यहाँ पे देख पा रहे हैं पैन कार्ड नंबर मांग रहा है, देख पा रहे हैं आइडेंटिफिकेशन में इन्फॉर्मेशन में आपको पैन कार्ड नंबर, यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर भर देंगे। इसके बाद देख पा रहे हैं यहाँ पे पासपोर्ट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, ये आपके पास जो भी है तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। नहीं हो तो छोड़ दीजिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर, इसमें आपको छोड़ देना है, कुछ नहीं भरना है। अगर आधार नंबर है तो आप आधार नंबर भर सकते हैं, जैसा मेरा आधार नंबर है मैंने भर दिया। और यहाँ पे अपना अगर ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट जो भी है आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, टिक कर देंगे। ये लिखा हुआ है कि आई सबमिट माई आधार नंबर एंड रिजल्ट गिव माई कॉन्टेंट, यहाँ पर आपको यहाँ पर पुट ऑफ टिक मार्क कर देना है, ठीक है, क्योंकि आप आधार कार्ड अपना दे रहे हैं। और यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हैं आधार नंबर भर देना है लिखा हुआ है। यहाँ पे करंट लोकल एड्रेस, जहाँ पे आप वर्तमान में भी रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस भर देना है पूरा, जैसे ग्राम, पोस्ट, तहसील और जो भी है आपका डिस्ट्रिक्ट, और अपना पिन कोड वगैरह भर देना है, स्टेट भर देना है। इसके बाद आता है कॉन्टेक्ट डिटेल में, इसमें आपको आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो भर देंगे। इसके बाद देख पा रहे हैं यहाँ पर जीमेल ID है वो भर देंगे, अगर आपके पास है तो भर देंगे। और सबसे नीचे अगर बात किया जाए तो यहाँ पर देख पा रहे हैं डेट ऑफ बर्थ बोल रहा है, तो डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। यहाँ पे प्लेस, आप जिस प्लेस में रहते हैं प्लेस का नाम लिख देंगे और यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देंगे। अब बाकी इधर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ इस तरह दोस्तों आपको भरना है फॉर्म। तो आई होप कि हमारे द्वारा छोटी सी जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल बने हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करना, बैंक से संबंधित हम वीडियो डालते रहते हैं। धन्यवाद।